अरे बेटा यीशु, तुमने अपनी चाची को तो दिखाया ही नहीं। तुमने निबंध में क्या लिखा है, दिखाओ। जी चाची। और तुम्हारी बहन आशिया घबरा रही है, उसको जाके समझा दो कि घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है? जाओ जाओ जाओ। अब यीशु की नहीं, सिर्फ मेरे बेटे की तारीफ होगी। यीशु, बहुत अच्छा लिखा तुमने। हाँ लो। माँ, पता नहीं कैसे मेरे लिखे हुए निबंध पर सीआई फैल गई। माता पिता बिल्कुल नहीं आएंगे बीच में। यीशु, अगर तुम्हें अपने पिताजी के बारे में कुछ बोलना है तो इसी समय बोलो, अन्यथा प्रतियोगिता में तुम्हें 0 अंक मिलेगा। डरो मत यीशु, ईश्वर तुम्हारे साथ है। जो भी मन में आता है बोल दो। मेरे पिताजी बड़े ही हैं, वो लकड़ी से सुंदर और अद्भुत चीजें बनाते हैं। सिर्फ बनाते हैं नहीं, उनका ख्याल भी रखते हैं। अगर गलती से कोई चीज बिगड़ जाए तो उसे सुधारते भी हैं। कैसा दिव्य क्षण है, ईश्वर का बेटा यीशु सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर से सबको परिचित करा रहा। मेरे पिता इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे परोपकारी है। उनके मन में मेरे लिए ही नहीं, सभी के लिए प्रेम और करुणा है। वो संभव को भी संभव कर सकता है, रोते हुए को हंसा सकता है, गिरे हुए को उठा सकता है। सच में वो एक जादूगर है। मैं जानता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ है, मेरे अच्छे समय में भी और मेरे बुरे समय में भी। मैं उनकी गोद में बैठकर सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ। मुझे मालूम है कि वो मुझ पर हमेशा अपना आशीर्वाद और प्रेम बरसाते रहेंगे। ये सब यीशु, तुम किसके बारे में बोल रहे थे? अपने पिताजी के बारे में या किसी और के बारे में? बोलो। भगवान तो ऐसे कर रहे थे जैसे जैसे हमारे पिता इंसान नहीं ईश्वर हो। क्या मैंने कुछ गलत कहा गुरु जी? नहीं, तुम खुद सोच के देखो कि तुमने जो कहा क्या वो तुम्हारे पिताजी के लिए था। बीच में आने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन यीशु ने गलत क्या कहा? यीशु के पिता बड़े ही होने के नाते बहुत खूबसूरत चीजें बनाते हैं। यीशु अपने पिताजी के गोद में बहुत सुरक्षित महसूस करता है। यीशु के पिता प्रेम और करुणा की
प्रतिमूर्ति है और यदि किसी बच्चे को अपने पिता में ईश्वर नजर आते हैं तो उसमें गलत ही क्या है। मैं इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत। यीशु ने जो कुछ भी कहा वो दिल से निकलकर सीधा दिल तक जाकर पहुंचा गुरुजी। हाँ गुरुजी, बच्चे ने वही कहा जो अपने पिता के लिए महसूस करता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आपको हर बार यीशु के बचाव में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता था कि यीशु मेरे प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे। खैर कोई बात नहीं, मैं आज की इस प्रतियोगिता में यीशु को उत्तीर्ण घोषित करता हूं। ठीक है ठीक है, एक कार्य पूरा हुआ। मध्यांतर के बाद बच्चों को वनस्पतियों का ज्ञान दिया जाएगा। माता पिता अपने अपने घर जा सकते हैं। हम दोनों को तुम पर बहुत गर्व है, तुमने हिम्मत नहीं हारी, बहुत अच्छा कहा। बहुत खूब यीशु, बहुत अच्छा निबंध बोला तुमने। तुमने तो सबको पीछे छोड़ दिया यीशु, पर ये तो बताओ तुम्हारे निबंध पर स्याही फैल जाने के बाद भी तुम्हें इतना सब कुछ इतने अच्छे से कैसे याद रहा? सच कहूं तो मुझे भी नहीं मालूम कि मैंने क्या कहा। परमपिता परमेश्वर का नाम लिया और उनको याद किया, फिर जो मन में आया बोल दिया। पता नहीं कैसे हो गया गुरुजी, मैंने तो पूरी तरह से यीशु का निबंध खराब कर दिया था, फिर भी वो बाजी मार गया। लगता है ईश्वर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है उस पर। देते हैं कभी कभी ईश्वर भी धैर्य की परीक्षा लेते हैं। याद है मैंने तुमसे कहा था कि कभी कभी बड़े बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ती हैं। मिलेगा, कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा उस यीशु को हराने का। कहीं मैं तो कहीं मेरा साया, किसी का बुरा चाहो और शैतान तुम्हारे पास आया। पूछो इससे कि मिस्र में ऐसा क्या हुआ था जो इन्हें मिस्र छोड़कर यहां आना पड़ा। पूछो इससे। मिस्र में ऐसा क्या हुआ था जो तुम लोगों को यहाँ आना पड़ा? गुरुजी, आपको पता है कि हम मिस्र छोड़कर आए थे? मतलब आप जानते हैं कैसे गुरुजी? अब तुम्हें मालूम है ना कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, मालूम है ना तुम्हें? क्या हुआ था वहाँ? गुरुजी, यीशु के कारण हमें मिस्र छोड़ना पड़ा गुरुजी। यीशु ने जीवन को जिंदा कैसे कर दिया जबकि हम सब ने अपनी आंखों से देखा था, मर चुका था जीवन। ये तो कोई जंतर मंतर लगता है, कहीं यीशु में कोई शैतान तो नहीं है? पूरे गांव का मानना था कि शैतान का साया उस पर है और उसके संपर्क में आके उसने कुछ जादू टोना करके जीवन को जीवित कर दिया। उसी की सजा हमें मिली गुरुजी, पूरे परिवार को देश निकाला मिल गया गुरुजी।
जल्द इस गांव से भी ताना पानी उठने वाला है उस यीशु का। यीशु के जीवन में आने वाली परेशानियों का मधुर संगीत अभी से मेरे कानों में गूंज उठा है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हे ईश्वर, मुझे यीशु के आसपास खतरा बढ़ने का आभास हो रहा है, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। जब देखो वही घिसी पिटी बातें, तुम्हारे पास कुछ नया सोचने करने को नहीं है देवदूत? कुछ भी नहीं बदला है तुम्हारे आसपास। शैतान, इसे कहते हैं समझ का फेर। सब कुछ पहले जैसा दिखने का यह अर्थ नहीं है कि कुछ भी बदला नहीं है। तुम्हारी ये ज्ञान और दर्शन की बातें बहुत उबाऊ हैं देवदूत। यहाँ जरूरी है कुछ रोमांचक करने का। तैयार हो जाओ देवदूत, उस रोमांच का आनंद लेने के लिए मजा आएगा। तरस गई है, यीशु का दर्शन नहीं हुआ कब से। जरा मैं भी तो जाकर देखूं क्या कर रहा है तुम्हारा प्यारा यीशु। मैं जानता हूं कि किसी भी चेतावनी का तुम पर कोई असर नहीं होता शैतान, इसलिए मैं परमेश्वर से यह प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारी हर चुनौती के साथ यीशु को और भी मजबूत करते जाएं। देखते हैं मेरी प्रार्थना में ज्यादा बल है या तुम्हारे छल में। यहां बहुत सारे जंगली जानवर हो सकते हैं, तुम चिंता मत करना यीशु, मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा के लिए। माँ कहती है कि कोई भी जानवर हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक हम उन्हें परेशान नहीं करते, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। याकूब, यीशु की रक्षा करने का बहुत शौक है ना तुझे, अभी बताता हूँ। कितनी मजेदार बात है, एक ही घर में ईश्वर की संतान यीशु के साथ शैतान की तरह सबका बुरा सोचने वाला ये बच्चा भी रहता है। यीशु, यीशु साहब को उठाओ, तो मुझे डर लगेगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी मां मौत रहेगी। यीशु जल्दी साहब को उठाओ। यीशु, देखो याकूब, ये सांप नहीं, सांप की केचुली है। मेरी तो जान ही निकल रही थी। क्या क्या शोर मचा रखा है? फेंको इसको, फेंको। ये हंसी मजाक बंद।
सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। जी गुरुजी। मेरी बात ध्यान से सुनो, वनस्पति ज्ञान के लिए तुम सबको एक एक पौधा उगाना है, उसके लिए तुम्हें स्वयं बीज यहीं से चुनने होंगे, ठीक है? जी गुरुजी। उसके बोने से लेकर उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, समझ गए? जी गुरुजी। चलो अपने अपने बीज ढूंढो, चलो। याद रखना, जैसे बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा, इसलिए अपने बीज ध्यान से चुनना। कोई भी बीज चुन लो यीशु, तुम्हारा पौधा तो मेरे हिसाब से ही उगेगा। पहुंच गए, तुम्हारे बात मुझ तक पहुंच गई। तुम्हारे इस योजना में अपना साथ देकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी रब्बी गुरुजी। जादू टोना, जंतर मंतर, शैतान का साया, इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले क्या करना है यीशु भैया? मिट्टी डालने से पहले गमले में छोटे छोटे पत्थर डालना है। मैं बताता हूँ कैसे। मुझे नहीं सीखना इस यीशु से, मैं खुद कर लूंगा। याद रखना, इस कार्य में यीशु से अच्छे अंक आने चाहिए तुम्हारे, नहीं तो। हाँ माँ, ठीक है। अब इसमें ऐसे पत्थर डालो। मैं बताना भूल गया कि रब्बी गुरुजी ने आपको मिलने के लिए बुलाया। अरे इतना जरूरी काम भूल कैसे गया? हाँ अरे रे मारिया, क्या कर रही हो? अपने लाडले को डांट क्यों रही है? नहीं नहीं, मैं डांट नहीं रही थी, मैं तो समझा रही थी कि पौधे को अच्छे से कैसे उगाते हैं। मैं गोबर लेकर आती हूँ, पौधे के लिए अच्छा होता है ना? अच्छे से ख्याल रखूंगा, और देखना तुम बहुत जल्द एक सुंदर से पौधे में बदल जाओगे, वैसे ही जैसे मैंने जंगल में देखा था। आपने मुझे बुलाया गुरुजी? हाँ, हेलो, हेलो।
माफ कीजिएगा गुरुजी, ये पौधा तो जहरीला लग रहा है, फिर आप इसकी देखभाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। मैं समझी नहीं गुरुजी। इस पौधे का जहर हमारे जीवन से यीशु नाम के जहर को हमेशा हमेशा के लिए काट देगा का।